जहां तक सांसदों का सवाल है और उन पर कार्रवाई का सवाल है क्योंकि ये मुद्दा छिड़ा है मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में पूछना चाहता हूँ देखिए अब वो दिल में नाथुराम गोडसे को हीरो ही मानती हैं तो मतलब बहुत क्लियर है आप बहुत उनको समझाते हैं कि ऐसा मत बोलो कुछ दिन के लिए वो मान जाती हैं लेकिन जैसी जब माइक उनके सामने आती है वो फिर वही बोल देती है क्योंकि उनके दिन में वही सोच है अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा वो एक डिफेंस की कॉन्सल्टेटिव कमेटी में थी पार्लियामेंट की आपने एक्शन लेते हुए उनको वहाँ से तो हटा दिया अब बहुत लोग हैं क्योंकि बार बार आपकी पार्टी महात्मा गांधी जी की बात करती है जो पूछती है कि जब इतनी बड़ी वो दिक्कत बार बार पैदा करते रहती है जिससे शर्मसार होते हैं मोदी जी को कहना पड़ा मैं इनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तो उनको हटा ही क्यों नहीं देते आप देखिए हमने कोई एक्शन नहीं लिए ऐसा नहीं है जैसे ही आपने कहा इसको संसद की समिति से हटाए उनको पार्टी की मीटिंग से भी बेदखल करा पार्टी ने उनको कहा कि पार्लियामेंट के अंदर आप अध्यक्ष जी के सामने लोकसभा स्पीकर के सामने माफी मांगे उन्होंने माफी भी मांगी और पार्टी ने पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उनको काफ़ी कुछ कहा है जो मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता तो इसकी भी हमने गंभीरता से संज्ञान लिया है और हम कतई इस प्रकार के न स्टेटमेंट के साथ है न ऐसी भावनाओं के साथ है भारतीय जनता पार्टी हमेशा तुरंत ही मैंने स्टेटमेंट दिया था कि हमें इस

कठोरता से संदेश देने का प्रयास किया है और मैं मानता हूं हमारा संदेश कन्वे भी हुआ